बताते चलिए आपको अमिताभ बच्चन और रेखा और जिया बच्चन की लव स्टोरी, इनके लव स्टोरी ट्रायंगल के बारे में। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। अमिताभ बच्चन को जैसे ही कुछ होता है तो वो सुर्खियों में ऐसे छा जाते हैं जैसे पूरा बॉलीवुड सिर्फ अमिताभ बच्चन की प्रार्थना, उनकी रिकवरी और उनकी सेहत याबी के लिए प्रार्थना करता रहता है। और यही बात है, जिस तरीके से रेखा और जिया और अमिताभ बच्चन इस टाइम पर फुल कंसर्न में है, रेखा जिस तरीके से मुकम्मल तौर पर उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए तमाम फैन से खुद भी बहुत सारी प्रार्थना करिए ताकि अमिताभ बच्चन जो कि प्रोजेक्ट के की शूटिंग करते हुए हैदराबाद में पूरे तरीके से फ्रैक्चर हुए थे वो जल्द से जल्द स्पीडी रिकवरी कर लें। लेकिन बताते चलें इनकी लव स्टोरी के बारे में। तो रेखा और अमिताभ बच्चन ने गोल्डन ईरा इस फिल्म इंडस्ट्री में कमाया है, दोनों की बहुत सारी मूवीज भी साथ आई, दोनों की मोहब्बत की चर्चा, दोनों की जोड़ी की चर्चा भी बहुत ज्यादा रही। लेकिन जैसे ही सिलसिले मूवी में जिया बच्चन, रेखा और अमिताभ बच्चन इकट्ठे आए, वहीं पर इनकी जो मोहब्बत की कहानी है वो जिया से ज्यादा बढ़ गई अमिताभ बच्चन की, और रेखा को इन्होंने कुछ दूर कर दिया और उसके कुछ अरसा बाद ही जिया और अमिताभ बच्चन की शादी हो गई। इसी वजह से फैंस इनको बहुत ज्यादा ट्रोल भी करने लगे, फैंस को इनकी जोड़ी अच्छी भी नहीं लगी। फैंस का कहना है कि सबसे खूबसूरत जोड़ी अमिताभ बच्चन के सिर्फ रेखा के साथ ही, क्योंकि वो एवर ग्रीन है। जबकि भैया जिया बच्चन की बात करते चलें तो बहुत ज्यादा बुढ़िया गुस्से में रहती है। खैर व्यूअर्स, आपको इनकी बहुत ही खूबसूरत सी जोड़ी इनके अमिताभ बच्चन रेखा की कैसे लगती है, क्योंकि रेखा ने इनकी मोहब्बत अभी तक दिल से नहीं खत्म की, उसके बाद भी अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। इनका कहना है कि मरते दम तक सिर्फ अमिताभ बच्चन की मोहब्बत में रहना चाहती हूँ, शादी कभी नहीं करना चाहती। व्यूअर्स आप क्यों, किसकी जोड़ी किससे सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती है, रेखा और अमिताभ की या जय और अमिताभ की, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा।